तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के बारे में, डाउट्स के बारे में और ऑब्जेक्शंस के बारे में। कुछ ना इन तीनों में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। क्वेश्चंस होते हैं जो लोग आपसे पूछते हैं ये कैसे है, वो कैसे है। डाउट्स वो होते हैं जो आपको कभी भी आ सकते हैं। मतलब आप काम कर रहे हो, आपको हो सकता है 1 महीना 2 महीने हो गया, फिर भी आपको कुछ ना कुछ डाउट्स आ जाए, यार ये चीज मुझे ठीक नहीं लग रही। और एक होता है ऑब्जेक्शन, कि आप किसी को कुछ बताना चाह रहे हो और सामने वाला ऑब्जेक्शन कर रहा है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा है। तो ये तीनों चीजें हैं जिनके सोल्यूशन आज आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इन तीनों चीजों को हम एक पूरी डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। जब हम मार्केट में काम करने निकलते हैं ना, तो हमारे पास कुछ सामने से ना क्वेश्चंस आते हैं। यही कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्शंस होते हैं जो आते हैं। कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ बोलते हैं टाइम नहीं है, कोई कहता है मैं कर नहीं पाऊंगा, कोई ये कोई वो। ऐसे ही कुछ गिनती के 10-15 क्वेश्चंस हैं जो हमें आते ही आते हैं। तो समझदारी ये नहीं है कि हम पहले से ही इन क्वेश्चन को प्रिपेयर होके चलें, पहले से ही हम रेडी होके चलें कि हमें मार्केट में ये क्वेश्चंस आएंगे। और हमारे पास, अगर आपके पास इन क्वेश्चंस के आंसर्स है ना, तो आपकी जो सक्सेस रेशियो है ना, जो आपकी हम बोलते हैं ना रेशियो निकलती है 10 से बात करते हैं तो उसमें से कुछ परसेंट लोग ही ज्वाइन होते हैं, तो आपकी वो जो परसेंटेज है ना वो आपकी बहुत ज्यादा इंप्रूव होने वाली है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, स्मार्ट वर्क करना चाहते हो और बहुत ही जल्दी एक अच्छी सॉलिड टीम बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले ये क्वेश्चंस का आंसर आपको खुद को पता होना चाहिए। आप खुद सीखें, उसके बाद अपनी टीम को अपनी कॉपी बना दें। जो भी आप इस ट्रेनिंग सेशन में सीख रहे हो ना, उसके बाद आप चाहो तो पर्सनली अपनी अपनी टीम्स की आप मीटिंग्स भी कर सकते हैं। उनको ये चीजें आपने गाइड करनी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये आने वाला कुछ ज्यादा लंबा नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट का सेशन है। 30 मिनट को आपने नोट डाउन जरूर कर लेना है, जो भी मेन मेन पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और यूट्यूब पे ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, वहां से आप लिंक भी आप सेव कर सकते हो। तो इसको आपने देखना और अपनी टीम को सिखाना है, कॉपी करनी है ये चीज। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो आता है, एक जर्नल सा क्वेश्चन है। लोग बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, वो कहते हैं प्लान बहुत अच्छा लगा, कंपनी बड़ी अच्छी है, मैं कर तो लूंगा, लेकिन ना मेरे पास पैसा ही नहीं है, जब पैसे होंगे फिर देखेंगे। तो अब क्या जवाब दें उनको? काफी लोग मैं देखता हूँ बहस करने लग जाते हैं कि नहीं इतना तो कर ही सकते हो, ऐसे है ऐसे है। देखो, हमने कभी भी प्लीज नहीं करना किसी को, मतलब किसी के पीछे नहीं पड़ना। आपने हमेशा फील फेल्ट फाउंड वाला फॉर्मूला यूज करना है। उसको कैसे यूज करना है, आपने क्या करना है, सामने से कोई क्वेश्चन आया ना, उसने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो एक अच्छा नेटवर्कर होता है वो कभी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देता, वो क्वेश्चन के बदले में क्वेश्चन पूछता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी शोरूम में जाते हो, किसी गाड़ी के शोरूम में जाते हो, आप जाके बोलते हो कि ये गाड़ी एवरेज कितना देती है, तो जो नया सेल्समैन होगा ना वो कहेगा ये 17 की एवरेज देती है, 14 की एवरेज है, या 20 की एवरेज है। लेकिन जो एक्सपीरियंस वाला सेल्समैन होगा ना, वो पूछेगा सर आपको चाहिए कितनी, मतलब आपके क्वेश्चन के बदले में वो क्वेश्चन पुट कर देगा। जब आप बोलोगे ना मुझे 15 की एवरेज चाहिए, तो कहेगा ये गाड़ी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, ये ऐसे है वैसे, वो बेनिफिट बताएगा, मतलब आपको बड़ी बात जचा देता है। तो आपने क्या करना है, ये बात एक मन में बिठा लो कि कभी भी क्वेश्चन के बदले में क्वेश्चन पुट करना है, आंसर नहीं देना है। अब सामने वाले पर्सन ने पूछा कि आप बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपने उससे क्वेश्चन एक और पूछ लो कि अच्छा पैसे नहीं है तो आपको कैसा फील होता है। तो यहीं पे ना वो कंफ्यूज हो जाएगा कि यार ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया। अब उससे पूछो तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको कैसा फील होता है, तो कहीं ना कहीं उसको ना फील होगा कि यार होता तो बुरा ही फील है, मतलब ये कोई अचीवमेंट थोड़ा ना कि मेरे पास पैसे नहीं है। अब उससे पूछो कि अगर ऐसे ही चलता रहा, आपके पास पैसे नहीं है, आप कब से काम कर रहे हो, इतने टाइम से हम मेहनत कर रहे हैं, इतने सालों से अगर कोई जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, फिर भी हमारे पास पैसे नहीं है, तो क्या गारंटी है अगर यही काम करते रहेंगे फ्यूचर में हमारे पास पैसे आने वाले हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा फ्यूचर में, अभी तो मान लो वो सिंगल है, मतलब शादी नहीं हुई, यूथ है, मान लो कि अभी तो आप आपकी शादी नहीं हुई, आप अपना खर्चा आप निकाल रहे हो, कल को आपकी शादी होगी, वाइफ के खर्चे होंगे, तो आप क्या करोगे, बच्चे होंगे, उनकी एजुकेशन देख रहे हो कितनी ज्यादा महंगाई बढ़ रही है, एजुकेशन कितनी ज्यादा महंगी है, तो क्या उनको बोलोगे कि मेरे पास पैसा नहीं है। बच्चे कहेंगे मुझे मोबाइल चाहिए, आजकल तो मोबाइल भी 1-1 लाख प्लस के हो रहे हैं, तो क्या बोलोगे मेरे पास पैसा नहीं है। वाइफ कह रही है मैंने शॉपिंग करनी है, आप कहोगे पैसा नहीं है। क्या लगता है सारी जिंदगी यही गाना गाते रहना है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, जब एक बार कहीं से थोड़े बहुत पैसे क्या है, 13,000 ही तो है, एक बार कहीं से 13,000 आप अरेंज कर लो, मिलके हम एक पहले ही महीने में हम मिलके इतनी मेहनत करते हैं कि ये प्रॉब्लम ही खत्म कर देते हैं।
आप, मैं आपको अपनी गारंटी देता हूँ, आप मेरे साथ अपने लाइफ के 3 से 6 महीने आप निकालो, इन 3 से 6 महीनों में हम मिलके इतनी मेहनत करेंगे कि आपके पास पैसा ही पैसा होगा। तो क्या लगता है कौन सा ऑप्शन बेटर है? सारी जिंदगी पैसा नहीं है गाना गाते रहना है, जब एक बार मिलके हम पैसा अरेंज करके हम बिजनेस स्टार्ट कर लें, क्योंकि इस बिजनेस में मैं ऑलरेडी इतनी अर्निंग कर चुका हूँ। आप अपनी एग्जांपल दे सकते हैं और उनको भी आपने विजन दिखाना है, उनको फील करवाना है कि वो यहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपने उनको फील कराना है, फैक्ट कराना है, उसका फिर सोल्यूशन भी दे देना है। फील फैक्ट फॉर्मूला आपने यहाँ पे यूज कर देना है। इससे सिमिलर सा ही क्वेश्चन है, मेरे पास टाइम नहीं है, कर तो लूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। देखो ये एक बड़ा ही लेम एक्सक्यूज है। जो लोग कुछ बनना चाहते हैं ना लाइफ में, वो अपना टाइम मैनेज कर ही लेते हैं। टाइम सभी के पास बराबर इक्वल होता है। मुकेश अंबानी के पास भी कोई 25 घंटे नहीं है, वो उसके पास भी 24 घंटे हैं। वो 24 घंटों को यूज करके करोड़ों रुपए कमा रहा है और हम 24 घंटे यूज भी कहाँ कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। तो जब सामने वाला पर्सन आपको बोले ना मैं कर तो लूं लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, तो आपसे वही आप ना उससे वही क्वेश्चन पुट करो कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको कैसा फील होता है। अब ये तो मतलब टाइम नहीं है, फिर आपके पास पैसा तो बहुत होगा, क्योंकि बिजी रहना तो सक्सेस की निशानी है। आज मुकेश अंबानी भी कहीं ना कहीं बिजी है, आज दुनिया का हर सक्सेसफुल पर्सन बिजी है। अगर आप आपके पास टाइम नहीं है, आप बिजी हो, फिर पैसा तो आपके पास बहुत होगा। फिर सामने से क्वेश्चन क्या आएगा कि पैसा भी नहीं है, तो उनको बोलो कि सॉरी सॉरी ब्रदर, अगर आपके पास टाइम भी नहीं है और पैसा भी नहीं है तो कहीं आप अपना टाइम गलत जगह पे वेस्ट तो नहीं कर रहे। आज टाइम तो अगर घर में काम वाली आ रही है, आप काम वाली से ही बोलो कि आप ना रुक के जाना, 1 घंटा रुक के जाना, रिलेटिव्स आएंगे फिर आप सफाई करना, तो क्या वो क्या कहेगी, मेरे पास टाइम नहीं है। आप चूहे को देख लो, चूहे को मैं गारंटी देता हूँ आप कभी चलते हुए नहीं देखोगे, वो कभी इधर से उधर भाग रहा है, कभी उधर से इधर भाग रहा है, क्योंकि उसके पास भी टाइम नहीं है। तो कहीं हम कहीं गलत जगह पे अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे। तो क्या लगता है सारी जिंदगी यही गाना गाते रहना है, टाइम नहीं है टाइम नहीं है, क्योंकि कल को वाइफ बोले कि घूमने जाना है, शॉपिंग पे जाना है, बट आपको होगे टाइम नहीं है, बच्चे बोलेंगे पिकनिक पे जाना है ना, तो आपके पास टाइम नहीं होगा, फैमिली को देने के लिए टाइम नहीं होगा, क्योंकि आज तक नहीं अगर टाइम निकाल पाए तो आने वाले टाइम फ्यूचर में कैसे निकाल पाएंगे। तो क्या लगता है सारी जिंदगी यही गाने गाते रहना है, टाइम नहीं है? जब एक बार आप मिलके मेरे साथ 2-3 महीने कहीं थोड़ा सा टाइम अरेंज कर लो, पार्ट टाइम में 1-1.5 घंटा डेली निकालना शुरू कर लो, हम 2-3 महीने दबा के इतनी मेहनत करते हैं कि आपके पास टाइम ही टाइम होगा। आज मैं देखो मैं कुछ भी नहीं कर रहा, पैसिव इनकम आ रही है, घर बैठे बैठाए अच्छी अर्निंग ले रहा हूँ, आज मेरे पास टाइम भी है, पैसा भी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है, फ्रीडम भी है। तो उनको ये चीजें ना आपने फील करवानी है, उनके मुंह से निकलवाना है, आपने खुद नहीं बताना उनको। एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जो रूरल एरिया से है ना वो शायद रिलेट कर पाए। कई जब मैं छोटा था ना तो बचपन में ना पैर में ना कांटा चुभ जाता था, कई बार चुभे, नंगे पैर खेलते होते थे, पैरों में कुछ डालते नहीं थे तो कांटा चुभ जाता था। उस कांटे को निकालने के लिए हम क्या करते थे, अब याद करके देखो, हम क्या करते थे, एक और कांटा या कोई निडल लेते थे, उसको उसके साथ में घुसाते थे अंदर पैर के, और फिर उस कांटे को बाहर खींचते थे। तो आज वही कांटा है जो हमारी लाइफ में अटका हुआ है, वो है टाइम वाला कांटा, वो है पैसे वाला कांटा। आज ये चुभा हुआ है तो उस कांटे को निकालने के लिए ना एक और कांटा चुभोना पड़ेगा, और कांटा अंदर घुसा के उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है ना दोस्त, तो मैं कहता हूँ यार लोन है, काफी लोग बोलते हैं मेरे सर लोन चल रहा है 10 लाख का, मैं कहता हूँ अगर 10 लाख का लोन है, अगर कुछ भी नहीं किया तो वो बढ़ता जाएगा, लेकिन अगर वो 10 लाख के लोन को 10,13,500 का कर लेते हैं, कहीं से और पैसे अरेंज करके आप बिजनेस स्टार्ट कर लेते हो, इतनी श्योरिटी देता हूँ उस लोन को आप 1 साल के अंदर अंदर खत्म कर सकते हो। और नहीं तो और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो इतनी श्योरिटी आपको दे सकता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, वो टाइम का कंटा चुभा हुआ है, कहीं से पार्ट टाइम आपका थोड़ा सा टाइम निकाल लो, 1-2 घंटे पार्ट टाइम काम करो, 2-3 महीने में आपका ये कंटा भी निकल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैं नहीं कर सकता। देखो कहते हैं ना इफ वन कैन डू एनी वन कैन डू, अगर दुनिया में कोई काम एक बंदे ने किया है ना तो उसको कोई भी कर सकता है। आज मेरे टीम में हमारे ग्रुप में ऐसे ऐसे लोग हैं जो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। अच्छी फैमिली मतलब कि
जिनके करोड़ों की टर्नओवर है, करोड़ों की बिजनेस है, वो पर्सन भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। और बहुत से मेरे जैसे लोग हैं जो एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, वो भी यहाँ पे अच्छी अर्निंग ले रहे हैं। बहुत से ऐसे हैं जो लेबर करते थे, लेकिन आज वो भी यहाँ से 30-40 हजार पर मंथ का अर्न कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जैसे बीरा राम जी हैं, वो गवर्नमेंट टीचर हैं, वो भी यहाँ पे अच्छी अर्निंग ले रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट हैं जो अभी मतलब उनकी एज 18-19 साल की है, जैसे कामाक्षी जी अभी 12th करके आए हैं, वो भी यहाँ पे अच्छी अर्निंग ले रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, वो भी अच्छी अर्निंग ले रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो हैंडीकैप्ड हैं, वो भी अच्छी अर्निंग ले रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो 8वीं भी पास नहीं है, वो भी यहाँ पे अच्छी अर्निंग ले रहे हैं। देखो, हर तरह का पर्सन यहाँ पे अर्निंग कमा रहा है, हर तरह का पर्सन यहाँ पे सक्सेसफुल है। तो ये तो ना एक लेम एक्सक्यूज है कि मैं नहीं कर सकता। आपको सिर्फ विश्वास होना चाहिए अपने आप पे, क्योंकि सिस्टम ने, इस ग्रुप ने अपने आप को प्रूफ कर दिया है। आप अपने आप पे विश्वास बना के चले, दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसे आप नहीं कर सकते। और मेरे हिसाब से ये दुनिया का सबसे आसान काम है, बस इसको सीखना ही तो है स्टार्टिंग में। इसको आप थोड़ा सा सीख के करोगे ना, इससे आसान काम कोई हो ही नहीं सकता। उसके बाद काफी लोग बोलते हैं कंपनी भाग गई तो इसका भी आपने आंसर नहीं देना है। इसके बदले में आपने क्वेश्चन पुट करना है कि भाई साहब कंपनियां भागती कैसे हैं। तो वो एग्जांपल देंगे कि एक फलानी कंपनी थी, फॉर एग्जांपल एक पर्ल कंपनी थी, एक क्राउन कंपनी थी, डीटीएन थी, क्यूनेट थी, काफी ऐसी कंपनी थी। वहां पे क्या होता था कि वो खुद ही बताएंगे, उनसे पूछो कि वो कंपनियां भागी क्यों, तो वो खुद बताएंगे कि उन कंपनियों में अपने किसी ना किसी का कोई एक्सपीरियंस रहा होगा। कहेंगे हमने इतने लाख रुपए उस अकाउंट में, उस कंपनी में हमने जमा करवाए थे, उसके बाद क्या हुआ, जब 1-1.5 साल के बाद वो रिटर्न करने की बारी आई, वो कंपनी भाग गई। फिर आप उनको बताओ कि यही तो डिफरेंस है, यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है। यहाँ पे आपने 1 भी रुपया कंपनी में जमा नहीं करवाना है, 1 भी रुपए का। कंपनी यहाँ पे ये नहीं बोलती कि आप हमें इतने पैसे दे दो, हम आपको इतने टाइम के बाद रिटर्न करके या डबल करके मल्टीप्लाई करके दे देंगे। ये क्राउड फंडिंग है, जिसको ऑलरेडी हम सैकड़ों सालों से करते आ रहे हैं। इसको क्राउड फंडिंग को नेटवर्क की अपना इन्वेस्टमेंट के साथ आप कंपेयर मत करें। उनको इन्वेस्टमेंट और क्राउड फंडिंग का डिफरेंस समझाएं, उनसे उनको क्लियर करें कि यहाँ पे जो पैसा है आपका पैसा आप ही के पास रहेगा। आप ऐसा करो, मैं तो सीधा बोलता हूँ, आप ऐसा करो 1000 पर्सन ले आओ, 1000 बंदों को लाइन में खड़े कर दो, उनको एक के नीचे ज्वाइन करते रहो, हर पर्सन के पैसे वापस होते रहेंगे और कंपनी में भी कुछ देने की जरूरत नहीं है और आपको भी उससे प्रॉफिट होने वाला है। यहाँ पे किसी कंपनी को कोई पैसा जब जा ही नहीं रहा, मनी होल्ड हो ही नहीं रही। इवन के जितनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती है ना, वहां पे भी आपकी मनी होल्ड होती है। आपने 1 से लेके 30 तारीख तक उनको मान लो 10 लाख का बिजनेस करके दिया, तो वो आपको पैसा कब देंगे, 10 दिन। वो पूरा महीना निकल गया एक, तो उसके बाद भी 5-10 दिन 15 दिन रुक के आपका पैसा आता है, होल्ड होता है। क्या आप वो कल को बोल दें कि हम नहीं दे रहे, सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा, ये है वो है। बहुत सी कंपनीज ने ऐसे किया तो है, प्रोडक्ट बेस में थी, जैसे फ्यूचर मेकर थी, ROI में थी, है ना, वहां पे पैसा होल्ड होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप फील्ड में गए, आपने किसी पर्सन को ज्वाइन करवाया, क्या उससे पैसा पकड़ के आप कंपनी के खाते में डालते हो? नहीं ना। उसने 10,500 की दो डोनेशन दी, 5200 की, एक आपने रख लेनी है, एक अपलाइन को चली जाती है, या जिनके डाउन में वो प्लेस हुए हैं उनको चली जाती है। यहाँ पे भागने भगाने का तो कोई सीन ही नहीं है। तो ये चीज आपने क्लियर करवानी है उनको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कंपनी पैसे कहाँ से देती है। काफी, वैसे तो ये क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि अगर हम उनको मार्केटिंग प्लान अच्छे से क्लियर करा देते हैं ना, उनको क्लियर हो जाता है, समझ में आ जाता है। फिर भी अब भी शायद ये क्वेश्चन इतना ना आए, लेकिन जब आज से लगभग 1 साल के बाद, जब आप जैसे लीडर्स यहाँ पे मतलब महीने का 15-15, 20-20 लाख अर्न कर रहे होंगे ना, और आपकी जो आगे नई टीमें बनेंगी फ्यूचर में, जब वो एग्जांपल देंगी कि हमारे अपलाइन है वो 10 लाख 15 लाख 20 लाख मंथली अर्न करते हैं, तब शायद ये क्वेश्चन आएगा कि ये 20-20 लाख कहाँ से देते हैं। लेकिन ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि कंपनी पैसा नहीं देती है, वो ना लेती है ना देती है। यहाँ पे क्राउड फंडिंग चलती है, लोगों का पैसा लोगों में रहता है। आपने जितना बिजनेस किया उसका 50% आपके पास रह जाता है, 50% आपके नेटवर्क में, आपकी टीम में चला जाता है। आज फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख रुपया अर्न किया महीने का, 1 लाख के लिए मतलब 20 पर्सन मैंने ज्वाइन करवाए, जब पहले ज्वाइन थे उन्होंने रिडोनेट किया, तो वो अगर उन्होंने मुझे तो हाफ अमाउंट ही दी ना, तो 1 लाख अगर मैं अर्न कर रहा हूँ, बाकी का 1 लाख मेरी ही टीम में कहीं ना कहीं जा रहा है। तो इस तरह से अगर हम मेहनत करते हैं ना, तो आपकी
टीम को भी बेनिफिट होता है। बाकी कंपनीज में क्या होता है ना, आपकी टीम मेहनत करती है और लीडर्स कमाते हैं, यहाँ पे लीडर मेहनत करते हैं तो टीम कमाती है। और जहाँ पे टीम का फायदा होगा ना, जहाँ पे आम पब्लिक का फायदा होगा, वही काम अच्छी ग्रोथ लेता है, वही लंबा चलता है। उसके बाद काफी लोग बोलते हैं, ये तो वैसे ना एक ऐसा क्वेश्चन है, वो मुझे नहीं लगता आज के टाइम में कोई बेवकूफ होगा जो ये क्वेश्चन पुट करेगा। आज से लगभग 5-10 साल पहले ये क्वेश्चन आता था कि ये चेन सिस्टम है, ये चेन सिस्टम नहीं करना। बट आज लोग ना बड़े मतलब जागरूक हो चुके हैं, लोगों को समझ आ चुकी है। फिर भी आपको कोई पूछे ना, आप उनसे कोई बोले तो आप उनसे पूछो कि चेन सिस्टम वो क्या होता है, उनसे क्वेश्चन करें कि चेन सिस्टम क्या होता है आप बताएं पहले, तो बताएगा कि एक्चुअली ना चेन सिस्टम आज से 10 साल पहले अप्रोक्सीमेटली कुछ इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती थी, वहां पे बाइनरीज बनती थी। उनमें क्या होता था, अगर आपकी मान लो ए और बी है, अगर ए और बी छोड़ दे ना काम, तो नीचे वाली टीम डेड हो जाती थी, आपकी चेन टूट जाती थी, है ना। वो तो कब का बंद हो चुका है, अब कोई चेन सिस्टम किसी भी कंपनी में नहीं वैसे तो चलता। उसके बाद अगर हम देखा जाए तो नेटवर्क भी एक तरह की चेन ही होती है, आप उनको प्राउडली बता सकते हैं कि भाई साहब चेन सिस्टम आप वो तो नहीं बात कर रहे जैसे बोलते हैं कि मैकडी की चेन है, डोमिनोज की चेन है, KFC की चेन है। भाई साहब ये जिन्होंने चेन बनाई हुई है यार, ये तो बड़े करोड़पति है। मैंने तो नहीं सुना कि कोई बंदा बोले कि मेरी फलानी कंपनीज की चेन है और वो बंदा गरीब हो। एक्चुअल में जिस बंदे ने चेन बनाई है वो आज चैन की जिंदगी जी रहा है, और बेचैन वही है जो चैन नहीं बना पाए। तो समझदारी किसमें है, चैन बनाने में जा बेचैन होने में, है ना। समय रहते अपनी चेन बना ले, अपना नेटवर्क बना ले, अगर सक्सेसफुल होना है, एक खुशहाल जिंदगी जीनी है। उसके बाद सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, काफी लोग बोलते हैं ये तो इलीगल है, ये तो मनी सर्कुलेशन है, आप तो जी मनी लॉन्ड्रिंग करते हो। तो पहली बात ना, आपको इन तीनों चीजों के ना मतलब पता होने चाहिए। काफी लोगों को मनी सर्कुलेशन नहीं पता होता, जो मान लो आपके साथ कुछ नए अभी अभी स्टार्ट किया है, नेटवर्किंग का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उनको हो सकता है मनी सर्कुलेशन ना क्लियर हो कि क्या चीज होती है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, ये बेसिक सी टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं, कई लोग बोलते हैं ये इलीगल है, तो इसको क्लियर करने के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, ये चारों टाइप्स उनको एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी कि किस तरह की जो हमारी क्राउड फंडिंग होती है। क्राउड फंडिंग टोटली चार टाइप्स की होती है, इक्विटी बेस्ड, लोन बेस्ड, गिफ्ट बेस्ड और डोनेशन बेस्ड। गिफ्ट बेस्ड को रिवार्ड बेस्ड भी हम बोल देते हैं। तो उनको आप समझाओ कि जो इक्विटी बेस्ड है और लोन बेस्ड है, इसको करने के लिए बहुत सारे लाइसेंस चाहिए। आप या तो कोई बिजनेसमैन होने चाहिए, आपकी कोई फैक्ट्री होनी चाहिए, या आपका कोई बैंक वगैरह होना चाहिए। तो अगर इक्विटी और लोन बेस्ड को हम करेंगे ना, वो आम पब्लिक के लिए इलीगल है, वो हम नहीं कर सकते। लेकिन थर्ड और फोर्थ आप उन्हीं से पूछो कि गिफ्ट और डोनेशन बेस्ड आप बताओ हम करते हैं कि नहीं करते। ये तो कोई नई चीज भी नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग ने जन्म लिया था, उससे भी पुराना चलता आ रहा है क्राउड फंडिंग। सैकड़ों सालों से, मुझे लगता है हजारों सालों से क्राउड फंडिंग चलती आ रही है, ये कोई नई चीज नहीं है। और ये 100% लीगल है, 100% प्योर एथिकल बिजनेस है, इसको हर पर्सन कर सकता है। उसके बाद सेकंड आ गया मनी सर्कुलेशन। मनी सर्कुलेशन क्या होता है, जहां पे आपने पैसा कंपनी में डाल दिया, उसके बाद कंपनी आपका पैसा डबल करके आपको रिटर्न कर रही है, मतलब आप ही का पैसा घुमा फिरा के आप ही को वापस आ रहा है, उसको मनी सर्कुलेशन बोलते हैं। यहाँ पे हम किसी कंपनी में पैसा नहीं दे रहे, यहाँ पे क्राउड फंडिंग है। क्राउड फंडिंग और मनी सर्कुलेशन के मतलब मिक्सअप मत कीजिएगा। कई बेवकूफी लोग होते हैं जो बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग है, उनको यही नहीं पता मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग वो होती है जहाँ पे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है। अब जैसे नाम से पता चल रहा है, और ब्लैक मनी होती है उसको कहीं से कर कर के ना घुमा फिरा के या डोनेशन के रूप में दिखा के उसको व्हाइट मनी बनाया जाता है। तो यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता, कोई ब्लैक मनी व्हाइट मनी का कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ पे सिंपल सी क्राउड फंडिंग है। आपको क्राउड फंडिंग की नॉलेज होनी चाहिए डिटेल में कि क्या होती है और क्या टाइप्स हैं, फिर आप ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हो। उसके बाद लोग बोलते हैं ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, आप उनसे पूछो कि मुझे कोई एक सिंगल कंपनी बता दो, क्राउड फंडिंग छोड़ दो, नेटवर्किंग की मुझे कोई सिंगल कंपनी बता दो जिसमें इतने सारे फीचर हो। सबसे पहली ऐसी एक नेटवर्किंग कंपनी है जो एनजीओ के साथ मिलके काम कर रही है। आज पूरे इंडिया में जहां जहां पे हमारे वॉलंटियर्स हैं, वहां पे हमारी सोशल एक्टिविटीज चल रही है। इस लॉकडाउन के टाइम में भी जहां पे बाकी कंपनीज के लीडर्स को ये टेंशन पड़ी है ना कि हमारे चेक नहीं आ रहे, हमारा बिजनेस नहीं आ रहा, टीम को कैसे ग्रो करें, हम यहाँ
पे ये टेंशन ले रहे हैं कि हम सोशल एक्टिविटीज कैसे बढ़ाएं, कैसे मैक्सिमम लोगों तक राशन पहुंचा सकें, मास्क बांट सकें और जरूरतमंदों की हेल्प कर सकें। और कोई ऐसी कंपनी बताओ, कोई लोग बोलते हैं कि बहुत सी कंपनी है कि जो क्राउड फंडिंग में आपको बाइक फंड भी दे रही हो। इंडिया में कोई भी क्राउड फंडिंग कंपनी नहीं हुई जो बाइक फंड दे, कोई भी कंपनी नहीं है जो कार फंड दे, वो भी आपको स्टार्टिंग में ही नहीं ना, नेटवर्किंग में भी बड़ी बड़ी कंपनीज में सालों लग जाते हैं आपको ये कार फंड वगैरह अचीव करने में, और फिर भी शायद ना ले पाओ आप। यहाँ पे आप स्टार्टिंग में 2-3 महीनों में ये रिवॉर्ड अचीव कर सकते हो, और कोई भी ऐसी नेटवर्किंग कंपनी नहीं होगी जो अपनी टर्नओवर का 30% डिस्ट्रीब्यूट करती है रॉयल्टी में। मैंने जहाँ पे काम किया था वहां पे सिर्फ 3% बांटा जाता, सिर्फ 3%, यहाँ पे 30% टर्नओवर बांट दी जाती है अपने मेंबर्स में, लॉयल्टी क्लब के अचीवर्स में। कोई ऐसी क्राउड फंडिंग कंपनी नहीं है जो एलडीपी करती है। हम ऐसे 1 साल के अंदर 3 LDPs कर चुके हैं, 2 कर चुके हैं, तीसरी अभी करने वाले हैं। एजुकेशन को हम लेके आए हैं सिस्टम के अंदर, और कोई ऐसी क्राउड फंडिंग कंपनी नहीं है जो टूर दे रही है। डोमेस्टिक टूर आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो, इंटरनेशनल टूर आप यहाँ पे कर सकते हो। कोई ऐसी नेटवर्किंग हिस्ट्री में कोई कंपनी नहीं होगी जहाँ पे इतनी सारी चीजें आपको एक ही छत के नीचे मिले, जैसे कि ई कॉमर्स में हम डील करते हैं, ई कॉमर्स आप यहाँ पे कर सकते हो। कोई ऐसी कंपनी नहीं है जहाँ पे ई बैंकिंग भी है, कोई ऐसी नहीं है जहाँ पे इंक्वायरी पोर्टल है, जहाँ पे डेली आप अर्निंग ले सकते हो, जहाँ पे 100% डिस्ट्रीब्यूशन है। सभी क्या करती हैं, 5-10% आपके बिजनेस का आपको कमीशन देंगी, यहाँ पे 100% डिस्ट्रीब्यूशन है। कोई ऐसी कंपनी नहीं होगी जहाँ पे बड़े बड़े इवेंट्स बिल्कुल फ्री हैं। नहीं, 50-50 साल पुरानी कंपनी जिनकी मतलब 20-20 हजार 50-50 हजार करोड़ की टर्नओवर है, वो बताती हैं हमारी 20 हजार करोड़ की टर्नओवर है, लेकिन सेमिनार के लिए 100-100, 200-200, 500-1000 पे वो टिकट चार्ज करती है अपने डिस्ट्रीब्यूटर से। मैं पूछना चाहूंगा, अगर आप इतने करोड़ों हजारों करोड़ों की टर्नओवर है तो फ्री में एक इवेंट नहीं कर सकते, फ्री में लंच नहीं दे सकते, पानी तक नहीं वहां पे फ्री में दिया जाता। लेकिन पहली ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है जहां पे इतनी सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए सिर्फ 3,000 स्टार्टिंग में आपसे डोनेशन दी जाती है, और वो भी आपको ई बैंकिंग के जरिए आपको वापस कर दी जाती है बिल्कुल फ्री में। आपको इतनी सारी फैसिलिटी मिल रही है, मुझे एक सिंगल कंपनी बता दो जहाँ पे ये चीजें हमें मिल रही हो। तो ये चीज आपने ना मतलब बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े क्लियरिटी के साथ सामने वाले पर्सन की क्लियर करवानी है जो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कई लोग बोलते हैं हर पर्सन कामयाब नहीं होता, तो मैं इसके लिए स्ट्रॉन्गली अग्री करता हूँ, हर पर्सन कामयाब हो ही नहीं सकता। आप बताओ कौन सी ऐसी फील्ड है जहाँ पे हर पर्सन सक्सेसफुल होता हो। IAS का एग्जाम देख लो, लाखों लोग देते होंगे लेकिन कुछ ही पर्सन सिलेक्ट होते हैं, कुछ ही पर्सन को वो जॉब मिलती है। आप चाहे रेलवेज के देख लो एग्जाम, आप चाहे पुलिस के देख लो, जितनी भी एग्जाम होते हैं, भर्तियां निकलती हैं, लाखों करोड़ों लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन सिलेक्ट कितने होते हैं, कुछ चुनिंदा लोग। तो हर जगह पे सक्सेस रेशो होती है। IPS ऑफिसर की 0.006% है, रेलवे की 0.4% है, इतनी कम सक्सेस रेशो है। तो यहाँ पे कोई लंगर थोड़ा ना लगा है कि आप आएंगे, बैठेंगे, छकेंगे और चले जाएंगे। सक्सेस वही लोग होते हैं जो 100% डेडिकेशन देते हैं, जो इसको सीखते हैं। कई लोग सीखते हैं नहीं, सिखाना शुरू करते हैं, कहते हैं दुकान खुली नहीं, पहले कस्टमर बना लें। पहले कस्टमर बनाओगे तो कभी बिजनेस नहीं चलता, पहले आपको सीखना पड़ेगा। कहते हैं फर्स्ट लर्न देन रिमूव एल, फर्स्ट लर्न देन अर्निंग स्टार्ट बाद में होती है। तो आपने यहाँ पे सीखना है। अगर आप सीखोगे ना, आपको मैं गारंटी देता हूँ, जो एलीट ग्रुप की जो ट्रेनिंग्स है ना, आप सिर्फ वो ट्रेनिंग्स फॉलो करते रहो, ट्रेनिंग्स अटेंड करते रहो, आपकी सक्सेस 101% श्योर है। इस चीज की मैं लिख के गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म है। मेरे साथ जो पुरानी कंपनी में जो मतलब वहां पे हम जो मेरे टीममेट जो फेलियर थे, एक तरीके से कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, वो पर्सन यहाँ पे आए और पहले महीने से 30-40 हजार प्लस अर्निंग करना स्टार्ट कर दिया। इससे बड़ी एग्जांपल क्या हो सकती है। यहाँ पे मैं गारंटी देता हूँ, जो एलीट ग्रुप की ट्रेनिंग को फॉलो करेगा उसकी सक्सेस रेशो 100% है, 100%। यहाँ पे वही लोग फेलियर हो सकते हैं जो ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन घर बैठे हैं, ट्रेनिंग्स नहीं ले रहे, सीख नहीं रहे, कोई काम नहीं कर रहे। कई लोग बोलते हैं मेरे रिश्तेदार ने भी किया था इसलिए मैं भी नहीं कर सकता। तो उसको बोलो वाह यार, मतलब आपका जो रिश्तेदार जो काम कर सकता है वही कर सकते हो, बोलो जो वो नहीं कर सकता वो नहीं कर सकते, ये तो कोई बात नहीं हुई है ना। आप कोई मतलब कोई विद्वान थोड़ा ना हो कि आप बताओगे कि अगर वो कर सकता है तो वो सही है, वो नहीं कर सकता तो
ये बड़ा ही एक लेम एक्सक्यूज है। तो ये चीजें उनको थोड़ी सी रियलाइज कराने कि आपने ये तो देख लिया कि उसने किया था और वो कर नहीं पाया, बट ये भी तो देखो ना कि उसने कितने एफर्ट्स किए, क्या उसने सीखा था, ट्रेनिंग्स लगाई, एजुकेशन सिस्टम मतलब आता था, उस सिस्टम के साथ अटैच था, उसके एफर्ट्स चेक करो। ये तो नहीं कि ज्वाइन करा के घर बैठा उसके बाद काम ही नहीं किया और अब वो बोल रहा मैंने भी किया था। ज्वाइन करना और काम करना दोनों में बहुत डिफरेंस है। कहते हैं ना कि सोचने से कुछ नहीं होता, आपके एक्शन डिपेंड करते हैं आपकी सक्सेस पे। आपने सोच लिया मैंने लैम्बोर्गिनी लेनी है, ये करना है, वो करना है, लेकिन उसके लिए प्लानिंग कुछ नहीं, एक्शन कुछ नहीं लिया, तो क्या आ जाएंगे, क्या ड्रीम पूरे हो जाएंगे? नहीं होंगे, है ना। तो ये चीजें आपने उनको बतानी है। उसके बाद कई लोग बोलते हैं मैं सोच कर बताता हूँ। तो यहाँ पे ना कहीं हमारी ही गलती रही होती है जब सामने से ये क्वेश्चन आए। अगर आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो ना 1-to-1 और सामने से आपको बार बार ये क्वेश्चन मिल रहा है कि मैं सोच के बताता हूँ, कोई नहीं बता देंगे आपको सोच के, तो आप समझ जाइएगा कि आप अच्छे तरीके से, आप पावरफुल तरीके से प्रेजेंटेशन नहीं दे पाए, पावरफुल तरीके से सिस्टम को प्रेजेंट नहीं कर पाए। तो आप अपनी थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट करें, अब चेक करें कहाँ पे गलती रही। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, एक तो बॉडी लैंग्वेज पे थोड़ा सा काम करें। बॉडी लैंग्वेज जो बुक है, अगर आप वो पढ़ सकते हो ना, बड़ी अल्टीमेट बुक है, उसको पढ़ के ना आप जज कर लेते हो कि सामने वाला बंदा आपकी बात समझ रहा है या नहीं समझ रहा, वो एक्चुअल में इंटरेस्टेड है जो बस दिखावा दिखावा कर रहा है। कई बंदे हमारे मुंह पे बोल जाते हैं हाँ हाँ बहुत बढ़िया है, और बाद में जाते हुए बोलते हैं कि यार कहाँ फंस गए थे क्या, है ना। मतलब हमें बॉडी लैंग्वेज सामने वाले की पढ़नी आनी चाहिए, तो बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी है अगर आप वो बुक का स्टडी कर सकते हो। सोच के बताता हूँ ना, ये कहीं ना कहीं मैं समझूंगा कि हमारी ही गलती है, हमें अपने आप को इम्प्रूव करें। और फिर भी अगर आपने, आपको लगता है आपने अपना बेस्ट दिया है, फिर भी ये क्वेश्चन आ रहा है, फिर भी आप उसका ना फॉलो अप रखें। हो सकता है वो एक्चुअल में, क्योंकि क्राउड फंडिंग एक नया कंसेप्ट है, डायरेक्ट सेलिंग तो लोगों ने सुना है, प्रोडक्ट का सुना है, इन्वेस्ट का सुना है, इन्वेस्टमेंट का, क्राउड फंडिंग एक नया कंसेप्ट है, तो लोगों को एक्चुअल में कई बार टाइम चाहिए भी होता है इसको अंडरस्टैंड करने का। तो जब वो जाए ना, आप उनको कुछ मटेरियल सेंड करें, आप उनको क्राउड फंडिंग क्या होती है ऐसी कुछ वीडियो, कुछ अपनी अचीवमेंट, कुछ टीम की अचीवमेंट, सीनियर की कुछ अचीवमेंट, वो आप जरूर उनको शेयर करते रहें, फॉलो अप में रखें। उसके बाद कई लोग बोलते हैं ना घर वालों से पूछ कर बताता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, आप अपने मम्मा से पूछोगे मम्मा रोटी कैसे बनानी है, वो शायद आपको सिखा देंगे। अपने अगर आपके फादर किसान हैं तो वो किसानी करनी सिखा देंगे। अगर आपके फादर जॉब करते हैं, आपको जॉब करनी सिखा देंगे। अगर आपके फादर दुकानदार है तो दुकानदारी करनी सिखा देंगे। लेकिन अगर हमने बिजनेस करना सीखना है तो वो मदर कैसे बता सकते हैं? आप अपने मम्मा से पूछो कि आप इंस्टाग्राम पे बोलो स्टोरी डालनी है, कैसे डालू? क्या आपका मम्मा ये बोल दें कि इंस्टाग्राम वो क्या होता है? तो मतलब इसका मतलब ये थोड़ा ना कि इंस्टाग्राम पे स्टोरीज नहीं डलती। फादर से पूछो जहाज कैसे उड़ता है, वो कहेंगे मुझे नहीं पता कैसे उड़ता है। तो उसका मतलब ये थोड़ा कि जहाज उड़ नहीं सकता, है ना। ये अपनी जगह पे ठीक है, पेरेंट्स अपनी जगह पे ठीक है, उनको उस चीज की 100% नॉलेज है जिस जो चीज उन्होंने की है, जो काम उन्होंने कभी किया ही नहीं, अब बिजनेस कभी उन्होंने किया ही नहीं तो वो कैसे बता सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमारे पेट में दर्द है तो हम डॉक्टर से पूछेंगे ना, हमें कुछ कानून के बारे में बात करनी है तो हम पुलिस वाले या वकील वाले से पूछेंगे ना। तो अगर आपने बिजनेस करना है तो बिजनेसमैन से पूछो ना, घर वाले मतलब क्या बताएंगे आपको, है ना। तो उसके लिए आप थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करें, इस चीज को अंडरस्टैंड करें। घर वाले आपको तभी आपको समझ पाएंगे अगर आप उनको प्रूफ करके दिखाएंगे। आज तक जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं ना हिस्ट्री में, चाहे आपने अगर महेंद्र सिंह धोनी की मूवी देखी हो, उसके घर वाले क्या करना चाहते थे? चाहते थे कि वो टीटी बने, सरकारी जॉब करे। अगर उसने अपने घर वालों की बात मान ली होती तो शायद ही इंडिया वर्ल्ड कप जीत पाती, जो महेंद्र सिंह धोनी ने सिखाया था। जो शहीद भगत सिंह है, उसके मतलब मदर चाहते थे कि वो शादी करे और कोई अच्छी सी जॉब करे। जो महात्मा गांधी है, उसके मतलब पेरेंट्स भी चाहते थे कि उनका बेटा वकील बने और गवर्नमेंट के लिए काम करे। अगर उन्होंने पेरेंट्स के खिलाफ जाके काम ना किया होता तो आज शायद हम यहाँ ना बैठे होते, ये चेंजेस ना आए होते। तो जितने मर्जी आप एग्जांपल उठा लो, वही लोग सक्सेसफुल हुए हैं जिन्होंने अपना डिसीजन खुद लिया है। अब मुझे बताओ सचिन तेंदुलकर के फादर का नाम क्या था? याद होगा, शायद ही किसी को पता हो, क्योंकि लोग ना घर वालों को नहीं याद रखते, लोग आपको याद रखेंगे कि आप थे जिन्होंने कुछ करके दिखाया। तो आप सेल्फ डिसीजन मेकर बने। कई लोग बोलते हैं कर तो रहा हूं पर चल नहीं रहा, या मैं तो कर रहा हूं पर टीम नहीं कर पा रही, है ना। उसके बाद ये घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, तो ये भी एक तरीके से मेरे हिसाब से एक लेम एक्सक्यूज है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप कर रहे हो और
चल नहीं रहा, तो अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आप ना चेक करें कि आप मेहनत किस तरीके से कर रहे हो। कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। मैं नहीं कहता आप 24 घंटे काम करो, मैं नहीं कहता 12 घंटे काम करो, मैं कहता हूँ सिर्फ 2 घंटे भी काम कर लो, लेकिन कंसिस्टेंसी। ये नहीं है कि कभी जी दिल करा कर लिया, कभी दिल किया नहीं किया। टीम मैं तो कर रहा हूँ जी, टीम नहीं कर रही। एक ऐसा बिजनेस है ना, आपकी टीम काम नहीं भी करती तब भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना डायरेक्ट पे फोकस करें, डायरेक्ट में काम बढ़ा दें। डायरेक्ट में आप मान लो 10 ज्वाइनिंग कराओगे, वो टीम में कहीं ना कहीं नीचे ज्वाइन होंगे, आपको भी पैसा आएगा और जिसके डाउन में प्लेस हो रहे हैं उसको भी पैसा आएगा। और जब आपके पास पैसा आएगा ना, तो आप किसी को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, आपकी टीम खुद ब खुद काम करना स्टार्ट करेगी। मेरी खुद एग्जाम्पल है, मेरी डायरेक्ट में कुछ पर्सन थे, उनके जब डाउन में पर्सन गए, उनको अर्निंग आई, वो खुद अब भाग रहे हैं। तो यहाँ पे टीम भी आप ही को देख के काम करेगी। कहते हैं ना, कभी किसी की बातों को नहीं फॉलो करते, लोग आपके एक्शंस को फॉलो करते हैं। तो आपको ना पहले कुछ करके दिखाना पड़ेगा, फिर आपके टीम आपको अपने आप फॉलो करेगी। घर वाले सपोर्ट नहीं करते जी, देखो घर वालों ने पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, इतनी अच्छी एजुकेशन दिला दी, और क्या सपोर्ट चाहिए घर वालों से। यहाँ पे तो कोई रनिंग कॉस्ट भी नहीं है कि आपने ऑफिस का रेंट देना है, या कहीं सेमिनार की कोई टिकट लेनी है, जब प्रोडक्ट हर महीने आपने यूज करने है, 0% रनिंग कॉस्ट है। आपने जैसे तैसे करके ज्वाइन किया, स्टार्टिंग किया, उसके बाद आपको क्या सपोर्ट चाहिए घर वालों से, है ना। अब घर वाले आपको बंदे तो ढूंढ के ला के दे नहीं सकते, है ना। तो ये भी एक लेम एक्सक्यूज है, घर वाले सपोर्ट नहीं करते। घर वाले तब भी सपोर्ट करेंगे आप, अगर आप उनको कमा के दिखाओगे, अगर आप उनको प्रूव करके दिखाओगे। जब मैंने नेटवर्किंग स्टार्ट की थी ना, मेरे घर वाले हाईली नेगेटिव थे, वो करना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने पर्ल कंपनी में काफी ज्यादा लॉस खाया हुआ था। वो कहते ये भी वैसा ही है, नहीं करना। तो मैंने मेहनत की, अपने आप को प्रूफ करके दिखाया, अर्निंग लेके दिखाई। नेटवर्किंग की बात करूं, 4 साल के अंदर अंदर 14 लाख की मैंने गाड़ी बाय करी, अच्छा घर बनाया, अच्छी मतलब एक बैंक बैलेंस बनाया, जो कुछ लोन्स थे ऑलरेडी फैमिली के चल रहे थे वो खत्म करे। तो अब बताओ फैमिली सपोर्ट करेगी क्या नहीं करेगी। सपोर्ट तो दूर की बात है, मेरे फादर अब मुझे मेरे साथ खुद कदम से कदम मतलब मिला के काम करते हैं, दोनों मिलके हम काम कर रहे हैं। तो सपोर्ट फैमिली आपकी तभी करेगी अगर आप उनको प्रूफ करके दिखाओगे। उस टाइम पे महेंद्र सिंह धोनी के डैड कहते थे कि बेटा गवर्नमेंट टीचर मतलब गवर्नमेंट जॉब करनी है, लेकिन आज वो प्राउड के साथ कहते हैं कि मैं महेंद्र सिंह धोनी का डैड हूँ, है ना। आज सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तभी सपोर्ट मिलेगी अगर आप अपने आप को प्रूफ करके दिखाओगे। कई लोग बोल देते हैं जी ये लेडीज के एक्सक्यूज होते हैं, मैं कर तो लेती लेकिन बच्चे छोटे हैं घर पे, उनका ध्यान रखना होता है। अब उनको भी ना यहाँ पे फील फेल्ट वाला फॉर्मूला यूज करो, उनको रियलाइज कराओ कि अब भी तो आपको करने की जरूरत है, क्योंकि आपके बच्चे छोटे हैं, कल को वो बड़े होंगे, इनकी एजुकेशन ही देनी, इनके खर्चे बढ़ेंगे, इनका बहुत सारे आने वाले टाइम में तो वैसी महंगाई बढ़ रही है, फिर आप कहाँ से पूरी करोगे। आज बिल्कुल राइट टाइम है, आज कोई एजुकेशन का खर्चा नहीं है, इनकी कोई डिमांड्स नहीं है, क्योंकि आपके बच्चे छोटे हैं। 6 महीने आप यहाँ पे हमारे साथ मिलके मेहनत करो, आपको कभी भी फ्यूचर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ आप दे सकते हो। उसके बाद लोग बोलते हैं अच्छा है तो सभी क्यों नहीं कर लेते। ये भी बड़ा क्वेश्चन आता है कि यार ये बिजनेस अगर इतना ही अच्छा है तो सभी क्यों नहीं कर लेते। तो मैं कहूंगा सबकी किस्मत में सक्सेसफुल होना नहीं लिखा है। अगर सभी लोग मतलब बिजनेसमैन बन गए, सभी लोग क्राउड फंडिंग में आ गए, सभी लोग यहाँ पे करोड़पति बन गए, तो ये काम कौन करेंगे। तो किसानी कौन करेगा, कि अनाज ही नहीं होगा हम भूखे मर जाएंगे। जॉब कौन करेगा, है ना, खंभों पे कौन चढ़ेगा, चाय कौन बनाएगा, ऑटो कौन चलाएगा। देखो मैं इन कामों को छोटा नहीं बोल रहा, मैं यहाँ पे कभी पर्सनली मत लीजिएगा कि मैं कोई इंसल्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपने डिसाइड करना है कि आपने ये काम करने हैं जो आपने बिजनेसमैन बनना, अपने करोड़पति बनना, अपनी लाइफ चेंज करनी है। चॉइस आपकी है, सभी नहीं करेंगे। आपको बता देता हूँ, आप 100 लोगों से बात करोगे ना, तो 100 लोगों में से हो सकता है 10 ही लोग ज्वाइन करें। अब आप पे है, जब उन लोगों पे है कि वो ये काम करना चाहते हैं या अच्छी खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं। उसके बाद कुछ लोग बोल देते हैं पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जाता। मैं कहता हूँ पैसे से अगर सब कुछ नहीं खरीदा जाता ना, तो गरीबी से भी कुछ नहीं खरीदा जाता। कहते हैं ना साइकिल पे बैठ के रोने से बेटर है ना लैम्बोर्गिनी के अंदर बैठ के रोया जाए। दुखी तो होना ही है, तो एक आलीशान घर में बैठ के दुखी हो ले, क्यों हम गर्मी में मर रहे हैं, है ना। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन इस धरती पे रहना है, आपने एक अच्छी खुशहाल जिंदगी जीनी है, तो उसके लिए पैसा बहुत कुछ होता है। 99.9% खुशियां पैसे से खरीदी जा सकती है। मैं आपको इतनी इतनी गारंटी देता हूँ ना, अगर आप अर्निंग
नहीं कर रहे, अगर आपकी एज 22-23 साल प्लस हो चुकी है, आप पैसा नहीं कमा रहे, आपके घर वाले भी आपको ताने दे रहे होंगे, आप इस चीज को अपने साथ रिलेट करिएगा। आपकी मदर, सकी मदर भी आपको ना मतलब ताने देगी अगर आप पैसा नहीं कमा रहे। तो भाई साहब पैसा बहुत कुछ होता है, पैसे से आप अपनी फैमिली के लिए एक अच्छी गाड़ी खरीद सकते हो, एक अच्छा घर बना सकते हो, अपने पार्टनर के साथ वर्ल्ड टूर पे जा सकते हो, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। माना पैसा कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। तो आज बिल्कुल राइट टाइम है, अभी राइट एक प्लेटफॉर्म आपको मिल चुका है कि यहाँ पे साल 6 महीने आप दबा के मेहनत करें, उसके बाद आपके पास पैसा ही पैसा होगा। जो भी आपकी ड्रीम लाइफ है, जो भी आप अपनी फैमिली के लिए करना चाहते हो, सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो, हर चीज यहाँ पे पॉसिबल है। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही है, थैंक यू सो मच जी, मिलते हैं कल को 12:30 बजे न्यू पर्सन के वाले सेशन में। आपने क्या करना है, कल को 12:30 बजे सेशन होगा, उसमें मैक्सिमम आप अपने जितने नए फ्रेंड नए गेस्ट आप उनको इनवाइट कर सकते हो। और जो 7 बजे होता है, कल नहीं होगा परसों को होगा, एक दिन छोड़ के हमारी ट्रेनिंग होती है, उसमें मैक्सिमम अपनी टीम को आप इन्वाइट करें। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच जी, मिलते हैं कल को, टेक केयर जी।